ओके तो फैमिली कैसा लगा सुबह हेल इन अ सेल का पीपीवी? हाँ मैंने नहीं बनाया उस पर कोई भी, आप लोग कह सकते हो रिव्यू वीडियो कि भाई कैसा रहा हेल इन अ सेल का पूरा, मतलब आप लोग कह सकते हैं। सो मैंने क्यों नहीं बनाया उसका कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई ऐसा है कि देखो मतलब आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि भाई मतलब मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को क्या पता चल गया होगा, आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हेल इन अ सेल का रिजल्ट क्या है। क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि भाई मतलब इस चीज़ में बहुत सारे आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे कि हेल इन अ सेल रिजल्ट्स हाईलाइट्स हेल इन अ सेल ये वो मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं, ठीक है, और डाले हैं आज के दिन पे डाले होंगे जो कि डालते रहते हैं। क्योंकि देखो इसमें आप लोग कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें कंपटीशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो देखो हर क्रिएटर को आप लोग कह सकते हो एक तरीके से रीच नहीं मिल पाती है। तो इस चक्कर से कैसे देखो मेरे को पता है मेरे आप लोग कह सकते हो मेरे उसमें कुछ बंदे आते हैं, किसी के उसमें कुछ बंदे आते हैं देखने, किसी के उसमें कुछ कुछ ऐसे करते कुछ कुछ बंदे कहीं कहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन गाइस इसलिए मैंने सोचा भाई बंदे देख लें किसी और क्रिएटर के वहाँ, क्योंकि भाई मैं अगर आज का वीडियो नहीं बनाऊंगा तो क्या पता कोई और क्रिएटर का आप लोग कह सकते हो कोई इंसान वीडियो देख ले और उसके व्यूज़ बढ़ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मतलब आप लोग कह सकते हैं हम लोग हर जितने भी मैच हुए उसमें हम लोग वर्स्ट और उसकी बेस्ट बातों के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें वर्स्ट हुई क्या क्या चीज़ें उसमें बेस्ट हुई सब हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो फैमिली आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग भाई लोग बात कर लें यहाँ पे हमारे सेना ब्रिज वर्सेस एलेक्सा ब्रिज के मैच के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्स्ट चीज़ की जो कि हमें देखने को मिली कि भाई WWE को अभी भी WWE ऐसी चीज़ें दिखाती है 2021 में। आप लोग देखते होंगे कि भाई WWE दिखा रही है हमको हिप्नोटाइज करने वाला, चलो भाई बंदा फील मतलब आप लोग कह सकते हो बंदा रिंग में आ रहा है रिंग से गायब हो रहा है वो तो वहाँ तक कुछ मतलब भाई आप लोग कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने में भाई कोई हिप्नोटाइज वाली चीज़ दिखाएगा तो कौन, मतलब WWE का भाई जो अगर आप लोग कह सकते हैं एक रेसलिंग देखने वाला फैन है जो रेसलिंग से लव करता है ना कि उतना ज़्यादा स्टोरी ना उसको पसंद है जितनी उसको रेसलिंग पसंद है। मैं देखो हिप्नोटाइज वाली चीज़ों में ना कोई यकीन करता भी नहीं है, तो अब कोई रेसलिंग का भाई एकदम आप लोग कह सकते हैं रेसलिंग देखने आया जो बंदा उसको अगर तुम ये WWE वाली ये चीज़ें दिखा रहे हो तो भाई वो तो रेसलिंग ऐसे ही छोड़ देगा ना देखना है, वो WWE देखना छोड़ देगा वो कहीं और चल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई इस चीज़ को एकदम खत्म कर दो बिल्कुल कम कर दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसको इतना ज़्यादा मत दिखाओ भाई, क्योंकि आप लोगों ने देखा इसका मैच का एंड कुछ इसी तरीके से होगा। तो भाई देखो इतना आप लोग कह सकते हो जादू टोना वाली चीज़ें तो किसी को यकीन होता नहीं है भाई। देखो जिसको स्टोरी लाइन देखने में यकीन है जिसको जादू टोना देखने में अच्छा लगता है तो ऐसे बंदे WWE में होंगे बहुत लोगों को पसंद भी आती है चीज़ें, लेकिन भाई जो रेसलिंग देखने आते हैं रेसलिंग हो रही है तो उसमें हिप्नोटाइज वाली चीज़ें उतनी ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। जिसके बाद ये जो इसकी वर्स्ट चीज़ होगी, लेकिन इसकी बेस्ट चीज़ की बात करें तो हमको उसमें एलेक्सा ब्लिस की बहुत ज़्यादा अच्छी रेसलिंग देखने को मिलती है, साथ में मैच बहुत बेस्ट था, साथ में हम लोग बात कर लें इस मैच के रिजल्ट की वो भी बेस्ट ही था, क्योंकि भाई यहाँ पे सेना बिल्डर जीती कोई फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस जीती जिसका बहुत ज़्यादा मेरे को लगा कि भाई ये अच्छी चीज़ थी और ये बेस्ट चीज़ भी रही इस मैच के अंदर। क्योंकि भाई देखो बस इसमें एक ही चीज़ थी जो उसकी एंडिंग थी भाई जो हिप्नोटाइज वाली चीज़ WWE कर रही है पिछली बार आपने कहा रॉ में भी कर रही थी, तो ये थोड़ा कम कर देना चाहिए WWE को, क्योंकि भाई जादू टोना मतलब यार अब क्या बाबा भी बुला दो हो गया। तो जिसके बाद हम लोग बात करें जो कि भाई हमारे रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए रेयर रिपली वर्सेस साले फेयर के वीडियो, तो भाई देखो इसमें आप लोग कह सकते हैं बेस्ट स्पॉट तो ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं जो भी है मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट की बात कर लेते हैं, चलो उसमें वर्स्ट की बात नहीं करेंगे पहले बेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें बेस्ट भाई आप लोग को देखने को मिलता है क्या, एक ही चीज़ में बेस्ट थी और कोई ज़्यादा खास थी नहीं, हम लोग कह सकते हैं बस इसमें आप लोग को बेस्ट भी नहीं कह सकते उसको, मतलब आप लोग कह सकते हो मतलब बेस्ट इस हिसाब से कह सकते हो, मतलब जैसे WrestleMania का मैच हुआ था तो अभी भी ये 1-on-1 आया तो ये चीज़ से WWE की थोड़ी स्टोरी लाइन अच्छी खासी बन गई, तो ये चीज़ थोड़ी सी बेस्ट हम लोग कह सकते हैं इस मैच के अंदर, मतलब बेस्ट क्या है गुड़ी कह लो, ठीक है। जिसके हम लोग इसकी वर्स्ट की बात करें तो वर्स्ट में बहुत कुछ था, इसकी स्टोरी लाइन थी वर्स्ट कर दी थी, इसमें बार बार निकी क्रॉस को घसीटा जा रहा था, इसमें भाई एकदम WWE मतलब क्या ही करता था, मतलब पूरी तरीके से खराब करती थी स्टोरी लाइन, और अगर हेल इन अ सेल के अंदर होता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन WWE ने ऐसे कितने मैचेस थे जो हेल इन अ सेल के अंदर नहीं करे, और भाई ये हेल इन अ सेल के अंदर तो हुआ नहीं, ठीक है। वर्स्ट बात तो यही हो गई, मैच भाई ये एकदम वर्स्ट था, रिजल्ट इसका जैसा भी था, रिजल्ट मतलब रिजल्ट हम लोग चलो बेस्ट में रख देते हैं, ठीक है, रिजल्ट अच्छा था, लेकिन भाई हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी WWE उतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रही है, जितना मैं बात करूँ यहाँ पे जिस हमें स्मैकडाउन वीमेंस चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला भाई, उतना तो रॉ वीमेंस चैंपियनशिप का मैच एक रत्ती भर भी आप लोग कह सकते हो एक स्मैकडाउन चैंपियनशिप के मैच के सामने कुछ भी नहीं है। तो जिसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर सैमी जेन वर्सेस केविन ओवेंस के मैच के बारे में, जिसमें हमको वर्स्ट चीज़ देखने को मिली भाई कि केविन ओवेंस को तुम लोग भाई एकदम थका हारा दिखा रहे हो, बंदा भाई वो थका ही करा भाई, कब 2 दिन पहले उसको पड़ा था भाई नाइजीरियन का हाथ उसके गले के वहाँ पे, और अब तुम लोग दिखा रहे हो भाई वो इंजर्ड है ये है वो है, वो तो भाई रेसलिंग करने के लिए बुलाया उसको, वो थका हारा दिख रहा है एकदम बढ़िया करके। WWE ने एकदम बहुत ज़्यादा वर्स्ट करी मैं कहूँगा,
जिसके हम इसी मैच के बेस्ट की बात करें तो भाई इसमें सैमी ज़ेन जीते। ये बेस्ट क्यों है देखो, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, सैमी ज़ेन की जो तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक है वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा भाई सैमी ज़ेन बहुत समय से हार रहे थे लेकिन अब जाके जीते, जो कि सैमी ज़ेन के लिए अच्छी बात है और ये अच्छी बात थी क्योंकि भाई रसल मीनियम वैसे ही कैमरे में जीते हैं, तो अभी भी उनको जिताने का कोई फायदा था नहीं। और अभी और अगर आपने कहीं गौर किया हो तो दो मैचेस ऐसे हुए हैं रसल मीनिया के, मतलब आप लोग कह सकते हैं रसल मीनिया के दो मैचेस हायली रसल के अंदर हमको वापस से रिपीट देखने को मिले, और वो रिपीट मैच में से एक तो ये है, दूसरा मैच हमारा सेथ रॉलिंस वर्सेस सेजारो का। और इस मैच की बात करें तो भाई ये मैच सबसे चलो बेस्ट थिंग की बात कर लेते हैं। बेस्ट थिंग उसमें ये रही भाई कि हमारे सेथ रॉलिंस जीत गए बस, और ठीक ठाक इसमें रेसलिंग थी बस, इतने में हम इतना सारा खाली बेस्ट चीज में रखते हैं। जिसके बाद वर्स्ट चीज़ों की बात करें भाई, वर्स्ट तो हेली नसल ने बहुत देख दिया आपको, तो वर्स्ट की बात करें तो भाई वर्स्ट होता है आपका सबसे पहले देख लो सेथ रॉलिंस का भाई एंडिंग। अगर सेथ रॉलिंस को भाई आपको क्लियर विक्ट्री भी देते ना कोई कुछ नहीं कहता भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस को अब पुश मिलना तो है ही पता है, सेजारो को हारना था ही क्योंकि भाई रेसलमेनिया में सेजारो ऑलरेडी जीते हैं, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू को दिखाना कि भाई सेजारो तो एकदम रोल अप पिन के सारे आ रहा है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू अगर सेथ रॉलिंस को क्लीन पिन भी दे देते ना, मतलब क्लीन विक्ट्री भी दे देती तो डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इसमें हमको सेथ रॉलिंस की आप लोग कह सकते हो क्लीन विक्ट्री या फिर क्लियर विक्ट्री भी दे देती कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बुरी बात इस मैच में को लगी भाई, ये तुमने हेल इन अ सेल मैच रखा ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई, ये मैच हेल इन अ सेल के अंदर होना चाहिए था, कि स्टील केज मैच होना चाहिए था, हेल इन अ सेल मैच होना चाहिए था कह रहा हूँ मैं, हाँ हेल इन अ सेल मैच होना चाहिए था क्योंकि भाई देखो इस मैच की तुम लोग बात देखो भाई यार, मैच में भाई स्टोरी लाइन तो थी भाई, मतलब कब से चल रही है, कब से रिवाइवल चल रही है। तो भाई देखो मैं तो ये कहूँगी कि हेल इन अ सेल के अंदर ये मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको हेल इन अ सेल के अंदर ना करा, क्योंकि भाई देखो सेजारो को इंजर्ड भी किया था सेथ रॉलिंस ने, तो ये मैच तो बिल्कुल हेल इन अ सेल के अंदर होना चाहिए था यार। डब्ल्यूडब्ल्यू ने पता नहीं क्या कर दिया यार हेल इन अ सेल के अंदर, ये एक हेल इन अ सेल मैच होता था भाई तो इस मैच की हाइप भी अलग होती, हम लोग इसमें आप लोग कह सकते हो इसको वर्स्ट इसमें कुछ निकलता ही नहीं भाई क्योंकि इतना बढ़िया ये मैच होता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ही एक आप लोग कह सकते हो अपना दिमाग लगाया। जिसके बाद हम लोग अगली मैच की बात कर ले जो कि है आपका स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, जो कि हेल इन अ सेल का बेस्ट मैच था। यस गाइस, ये हेल इन अ सेल का बेस्ट एंड बेस्ट मैच था, मेन इवेंट घंटा कुछ नहीं था, बेस्ट मैच यही था, ये आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिल गया। इसको मैं कवर इसलिए अप कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं इसको बेस्ट रखना चाहूँगा। अब देखो इसमें वर्स्ट चीज़ें तो हमको कुछ देखने को मिली नहीं, हर जगह बेस्ट स्पॉट्स थे, पहली बात हेल इन अ सेल के अंदर था बेस्ट, ठीक है। दूसरी बात इसमें रेसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी भाई, विमेंस डिवीजन में ऐसी रेसलिंग देखने को मिली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिसका हम अगली बात करें इसमें हमको एकदम ब्रूटल एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिले भाई, आपने देखा होगा एंडिंग में एकदम लैडर के ऊपर हुई इस मैच की, और भाई ये मैच में कुछ भी वर्स्ट चीज़ हम लोग नहीं कह सकते भाई। अब देखो वर्स्ट अगर तुम लोग कह भी लेते तो इसमें एक आप लोग कह सकते हो वर्स्ट चीज़ मतलब थोड़ी सी जो कि हो रही थी कि बार बार बियांका ब्लेयर की चुटिया पर अटैक हुआ जा रहा था, इसको हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ये गलत चीज़ थी, मतलब वर्स्ट तो नहीं कह सकते भाई इसको बिल्कुल भी, लेकिन मैच एप सबसे बेस्ट था हेल इन अ सेल के अंदर। जिसके बाद हम लोग बात करें हमारे मेन इवेंट भाई, नाम का मेन इवेंट है भाई, मेन इवेंट तो डब्ल्यू को रख लेना चाहिए था स्मैकडाउन में चैंपियनशिप के, क्योंकि भाई मेन इवेंट में तुम लोग क्या देखने को मिला, ठीक है। रेसलिंग तो जैसी तैसी भी थी, चलो बेस्ट मूवमेंट ही बात कर लेते भाई, बेस्ट में हमको रेसलिंग अच्छी देखने को मिली, ब्रूटल एक्शन देखने को मिले, और हमारे साथ में ड्रू मैकइंटायर ने एमवीपी को भी पहला ये भी अच्छा हमको सीन देखने को मिला। अब हम बात कर लेते वर्स्ट की, ठीक है। वर्स्ट इसमें क्या था, वर्स्ट इसमें हम लोग को चीज़ देखने को मिली भाई, पहली बात मतलब ड्रू मैकइंटायर ने क्लेम और लगा दी, रेफरी बाहर खेल लेता, चलो कोई दिक्कत नहीं, एमवीपी अंदर आ रहे हैं, एमवीपी को भी पड़ जाती है क्लेम और, ठीक है, एमवीपी भी जीत। और उसके बाद मतलब बॉबी लेसली को कौन सा देवता चढ़ता है भाई, पता नहीं वो कैसे अटैक कर देते हैं भाई यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर, तो भाई बॉबी लेसली को तो मतलब आप लोगों ने देखा भाई, ड्रू मैकइंटायर ने पहले थे फिर भी भाई देवता जैसा पता नहीं क्या चढ़ गया बॉबी लेसली को और अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। जिसके बाद भाई एमवीपी पता नहीं फिर से कहाँ से चालू हो गए भाई, क्लेम और पड़ी है, बंदा सोना चाहिए वहाँ कोने में ना, बंदा आ रहा है और बंदा वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, पाँव पकड़ना। जिसके बाद भाई इसकी सबसे बेकार एंडिंग लगी मेरे को भाई, सब हेल इन अ सेल में से सबसे बेकार एंडिंग है मेन इवेंट की, भाई मेन इवेंट में ऐसी एंडिंग कौन रखता है यार, रोल अप पिन के सारे कौन एंडिंग रखता है भाई, ये क्लियर आप लोग तो क्लियर विन दिखाते ना कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं बॉबी लेसली क्लियर जीत जाते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाई तुम लोग रोल अप पिन के सारे खत्म कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट एंड वर्स्ट वर्स्ट चीज़ है। जिसके हम लोग बात करें हेल इन अ सेल की बेस्ट चीज़ के बारे में, चलो ये तो मैचेस की बात होगी, हेल इन अ सेल में सबसे बेस्ट मैं तुमको बता दिया भाई, बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली का मैच मैं रखूँगा, वर्स्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए रखूँगा, और साथ में हेल इन अ सेल में इतनी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें ना मैं तुमको बताता हूँ। पहली बात, हेल इन अ सेल में रोमन रेंस थे ही नहीं, रोमन रेंस का टाइटल डिफेंड ही नहीं किया गया भाई स्मैकडाउन में, तुम लोगों ने क्यों किया, व्यूअरशिप के लिए भाई, व्यूअरशिप तुम्हारी फिर भी घंटा नहीं आई, मतलब 2 मिलियन भी पार नहीं, 2 मिलियन पहुँची ही नहीं भाई, तुम लोग कह सकते हो 2 मिलियन व्यूअरशिप पहुँची भी नहीं, फिर भी भाई खाली हेल इन अ सेल करवा दिया तुमने भाई। हेल इन अ सेल अगर तुम लोग मतलब कह सकते हो हेल इन अ सेल में ही करते तो अच्छा लगता है भाई, जो चीज़ जहाँ के लिए वहीं के लिए तो अच्छी लगेगी, तो स्मैकडाउन में उसको करा रहे हो
रोमन रेंज से सबसे बेकार बात, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कोई डिफेंड नहीं थी, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भाई। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप कहाँ है, किसके पास है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं भाई। यहाँ पे तो वाइकिंग रेडर्स, शायद वाइकिंग रेडर्स के पास तो मौका था, लेकिन नहीं भाई, उनका तो मैच हुआ ही नहीं हेल इन अ सेल के अंदर। रॉ में जो कराएंगे ना मैच भाई, हेल इन अ सेल में करा दो यार, क्या करना तुम्हें रॉ में इतना है। और भाई ना आप लोग ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, ना यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, ना ही आप लोगों की, ना ही आपकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, मतलब भाई WWE पूरी तरीके से खत्म कर रही है भाई ऐसे PPVs को। अब मेरे को लगता है कि WWE आगे मतलब जब फैंस वापस आएंगे ना, तब इन सब टाइटल्स को डिफेंड करेगी। तो भाई यार अभी भी कर लेते हैं यार, हेल इन अ सेल एक बड़ा ही PPV माना जाता है, ऐसी बात भी नहीं है, तुम लोगों ने नहीं किया WWE ने, तुमने देखा होगा। और भाई इसी चक्कर से मेरा मन भी नहीं किया। और मैं तुम लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि अब कोई भी रॉ, स्मैकडाउन, किसी के भी आप लोग कह सकते, कोई भी PPV, कुछ भी शो आएगा WWE की तरफ से, तो मैं उसका कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मतलब जब मेरा मन करेगा मैं तब बना दूंगा, जब ऐसा मन करेगा तो कर दूंगा, लेकिन जब मन नहीं किया तो यही आएगा आपका वर्स्ट वर्सेस बेस्ट। तो यही सीरीज अब आप लोग को देखने को मिलेगी मेरे चैनल के अंदर। और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ नया अपने चैनल पर ट्राई करना चाहिए, तो यही कुछ नया चैनल पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।